अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोग जो है ना वो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 से हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेशंस वाला पोर्शन है, हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दिया है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाके उसका लिंक आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर के अंदर इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आज के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। इसके अंदर सिंपल हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने जो है ना वो लेक्चर को आखिर तक देखना ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। उससे पहले हमेशा से आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने लाल बटन को प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, हमारी भी हेल्प हो सके, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तरन जी, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि आपको उसने फंक्शन दिया हो पी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - t। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज होता है हम लोग उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। टी की रिस्पेक्ट से आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फिर डी पी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें जी डी ओवर डी टी, तो ये लिखें जी 3 - t/1/2। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केयर रूट को मैंने हटा के उसकी जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया। क्यों लिखा, ताकि 1/2 ऊपर पावर में है तो पावर रूल लगा के हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिर आपके पास पावर रूल लगाएंगे तो ये 1/2 जो है ना वो पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - t/1 एक माइनस हो जाएगा और इस वाले फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव यहां पे आप लोग लेंगे डी ओवर डी टी इंटू 3 - t। ये था जी आपके पास कंप्लीट आपके पास जो पावर रूल है। अब आप लोग क्या करेंगे, 1/2 वैसे का वैसे लिखेंगे, 3 - t/1/2 - 1 करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, डी ओवर डी टी का 3 का लेंगे तो 0 बन जाएगा, माइनस टी का लेंगे तो ये आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे -1 है तो ये बन गया जी -1, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है और 3 - t/1 -1/2 इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 - t/1/2, ऊपर -1/2 नीचे आके 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 की जगह पे आप लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा डी पी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू -1/2 × 3 - t स्क्वायर रूट। यही आपके पास वेरी इजी वेरी सिंपल फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 20, कहता है जी क्यूब इज इक्वल टू 2r - r², ऊपर आपके पास इसका जो है ना वो क्यूब रूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहले इसको 1/3 की फॉर्म में लिख लें। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, लिखें जी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आर यूज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू आर, आर किस रिस्पेक्ट से ही आप लोग जो है ना इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, डी क्यू ओवर डी आर विच इज इक्वल टू डी ओवर डी आर। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं 2r - r², इसकी पावर में लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 3 है तो जब आप लोग स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पे इजीली आप लोग पावर रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आपके पास पावर पावर पीछे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 2r - r² की पावर 1/3 में -1 हो जाएगा। और इस वाले जो है ना वो ब्रैकेट वाले फंक्शन का दोबारा से आप लोग डेरिवेटिव लेंगे आर की रिस्पेक्ट से डी ओवर डी आर इंटू 2r - r². ये था आपके पास कंप्लीट पावर रूल। आप क्या क्या करेंगे, आप लोग 1/3 × 2r - r² की पावर, अब 1/3 - 1 है तो 1/3 - 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखें जी -2/3, इसको करेंगे तो ये आपके पास -2/3 आ जाएगा। डस्टर किधर गया, गया वो हो गया जी। उसके बाद मजीद आप लोग डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी आर 2r - r² का, तो 2r के साथ जो है ना वो ये 2 आ जाएगा और -r² का आ जाएगा जी 2r, ये बन जाएगा जी आपके पास 2 - 2r। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 - 2r को आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2 - 2r ओवर, नीचे बटे में आपके पास 3 है इसको नीचे लेके आ जाएंगे क्योंकि -2/3 है तो नीचे आके प्लस का 2/3, 2r - r² की पावर 2/3 बन जाएगा, प्लस का 2/3 बन जाएगा। आई थिंक यही इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास आ गया जी डी क्यू ओवर डी आर, यही आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का।
देखिए क्वेश्चन 21 भी कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है कि 4 ओवर 3 पाई साइन 3 टी प्लस 4 ओवर 5 पाई कॉस 5 टी, इसका आप लोग डेरिवेटिव निकालेंगे टी की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे डी एस ओवर डी टी बन जाएगा, तो ये इधर यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपके पास डी ओवर डी टी, तो ये सारा का सारा दोबारा से लिखेंगे 4 ओवर 3 पाई साइन 3 टी प्लस 4 ओवर 5 पाई कॉस 5 टी। अब आप लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए 4 ओवर 3 पाई तो कांस्टेंट है ये वैसे के वैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लें 4 ओवर 3 पाई। अब साइन 3 टी का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे, साइन 3 की टी का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉस 3 टी, और जो है ना वो दोबारा से इस 3 टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा जी 3 आ जाएगा, ठीक है जी। साइन 3 टी का डेरिवेटिव कॉस 3 टी, और दोबारा से इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस एंगल का डेरिवेटिव 3 टी का, तो 3 टी का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे प्लस लिखेंगे 4 ओवर 5 पाई लिखेंगे, कॉस 5 टी का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन 5 टी, और दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे 5 टी का, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना आपके पास 3 यहाँ पे 3 है और नीचे भी यहाँ पे 3 है, तो 3 को 3 के साथ आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 ओवर पाई इंटू कॉस 3 टी प्लस यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ओवर पाई इंटू माइनस साइन 5 टी यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पे भी 4 ओवर 5 पाई है, यहाँ पे भी 4 ओवर पाई है, तो 4 ओवर 5 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस 3 टी प्लस माइनस माइनस साइन 5 टी, यही आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन 22 भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आपको समझ नहीं आती आप लोग जाना वो अगर सॉल्यूशन को बाय करना चाहते हैं फिर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, और आप लोग अगर सॉल्यूशन को बाय करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। खैर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 23 की, कहता है जी आर विच इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की पावर माइनस 1, इसका आप लोग डेरिवेटिव लेना है थीटा की रिस्पेक्ट से, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, तो इसको डायरेक्ट यहां पे कर देते हैं माइनस वन पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की पावर में एक और माइनस करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। अब दोबारा से जो है ना वो आप लोग डेरिवेटिव लेंगे थीटा की रिस्पेक्ट से डी ओवर डी थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये था आपके पास पावर रूल जो हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसके बाद आपके पास क्या बनेगा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस वन। अब देखिए इसकी पावर में माइनस टू है तो इसको आप लोग नीचे भी लेके जा सकते हैं, तो ये लिखे ऊपर माइनस वन नीचे जाके ये बन जाएगा जी कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की पावर टू लिख लें, क्योंकि ऊपर आपके पास माइनस टू है जब बटे में जाएगा तो इसकी पावर में टू बन जाएगा। उसके बाद आप लोग जब डेरिवेटिव लेंगे कोसेकेंट थीटा का, तो कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा प्लस, उसके बाद जब आप लोग कोटेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे लिखें जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये था जी आपके पास। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब ये माइनस वन ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे वन को सबके साथ कर दे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा कोसेकेंट थीटा, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी क्योंकि ये माइनस जो है ना वो सबके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ माइनस वन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो माइनस माइनस को भी प्लस, यहाँ पे भी आपके पास प्लस आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी कोसेकेंट थीटा मौजूद है, यहाँ पे भी कोसेकेंट थीटा मौजूद है, आप लोग कोसेकेंट थीटा को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉट थीटा प्लस यहाँ पे एक कोसेकेंट थीटा बच जाएगा, और बटे में आपके पास क्या है जी इसको भी आप लोग तरतीब से इस तरह लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस
कोसिकेन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें कोई मसला नहीं होता। तो देखिए ये कॉट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक यहाँ पे नीचे बच जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, ऊपर आएगा आपके पास कोसिकेन थीटा और बटे में आपके पास आ जाएगा जी कॉट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, और यही आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। चलें जी बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 में कहता है जी आर इज इक्वल टू 6 इनटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की पावर 3/2 है। अब यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो 3/2 पावर जो है ना पीछे आ जाएगी, 6 वैसे के वैसे आएगा, पावर 3/2 पीछे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे 3/2 माइनस वन कर देंगे, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से डी ओवर डी थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आपके पास आ जाएगा। ये था पावर रूल जो मैंने फुल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, आप देखें 2 3/6 होता है, 3 3/9 होता है, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा, 9 इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की पावर 3/2 माइनस वन करेंगे क्या आता है जी, 3/2 माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/2, ये 1/2 आपके पास आ जाएगा। इसको यहां से कर देते हैं रिमूव, ये आपके पास यहां पे आ गया जी 1/2। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट थीटा टेन थीटा, और अगर आप लोग टेन थीटा का डेरिवेटिव लेते तो वो होता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा डी आर ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसकी पावर में 1/2, इसको आप लोग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और ये जो है ना वो आप लोग इसको वैसे के वैसे लिख लें, अगर सीकेंट थीटा कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो आंसर में देख लेते हैं उसने क्या किया, वो यहाँ पे सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस सीकेंट के, उसने कोई भी कुछ नहीं किया, वो ऐसे लिख दिया हुआ है सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही है जी आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर, वेरी सिंपल वेरी इजी। अगर आपको लेक्चर का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें अपने क्लास में, इसके साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए, अपना भी ख्याल रखें हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। अगर आपको कोई क्यूरी होती है आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।